हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद पायल। और आज हम सीखेंगे होली स्पेशल गुजिया बनाना। बहुत ही यमी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी, और होली में सभी लोग लगभग इसे बनाते हैं अपने अपने स्टाइल में। तो चलिए आज मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है मावा, और मावे को मैंने बहुत ही अच्छे से भुन लिया है। भुनने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया है और हाथ से काफ़ी अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मेवे। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और अभी इसे मैं घी में थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद इसमें ऐड करूँगी। और अब हम इसमें डाल लेते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो चीनी को मैंने बारीक मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, और अब इसको हम अच्छे से इस मावे में मिला लेते हैं काफ़ी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मैदा है उसमें जो है क्या कहते हैं वो नहीं रहेगा कोई भी मिठास, इसलिए आप उसी के अकॉर्डिंग डालिए। साथ ही मैंने डाला है थोड़ा इलायची, जिससे जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा इन्हेंस होके आता है हमारे गुजिया का। और इस तरीके से अगर आपके बीच में कोई भी पार्टिकल्स अगर लगे मेवे के मावे के, तो उसको थोड़ा हाथ से आप मैश करते हुए चलिए, काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए फटाफट से इसे मिक्स कर लेते हैं हम। काफ़ी अच्छे से आप मिला लीजिए चीनी और मावे को काफ़ी अच्छे से, और बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ठंडे मावे में ही आपको चीनी मिलाना है, गर्म में नहीं मिलाना है, नहीं तो फिर आपका मावा जो है वो पिघल जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर में डाला हुआ है मोयन, और मैंने मेवे बिल्कुल फ्राई कर लिए हैं। तो मोयन जो है बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से काफ़ी अच्छे से आपको मिलाना है इसे, और बिल्कुल आप हाथ से बांध के देखिए कि एक लड्डू जैसा बन रहा है कि नहीं। तो जब तक हमारी गुजिया जो है वो क्रिस्पी नहीं होगी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए अभी इसका जो है वो लड्डू बन नहीं रहा है, इसमें मुझे थोड़ा सा और घी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा और मोयन। आप यहाँ पे देसी घी या डालडा या रिफाइंड कोई भी चीज़ ले सकते हैं, पर बेस्ट जो है वो हमारा देसी घी का होता है। और इन्हें काफ़ी अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, और इसका एक बहुत ही अच्छा सा आप डो रेडी कर लीजिए। आप हाथ से बना के देखेंगे तो इस तरीके से देखिए लड्डू बन रहा है इसका। तो अब इसको हम बिल्कुल आटा गूंथ के रेडी कर लेते हैं इसका। और यहाँ पे जब मैंने मावा और मेवे को फ्राई करके रखा है तो उसको मैं मिला ले रही हूँ। तो मेवा हमेशा आप फ्राई करके डालें, इससे जो आपकी गुजिया है वो काफ़ी दिन तक स्टे रहती है, सही रहती है, अंदर से ख़राब नहीं होती। और अगर आप मेवा ऐसे कच्चा डाल देते हैं तो आपकी जो गुजिया है वो अंदर से ख़राब होने लगती है, इसलिए आप थोड़ा सा भून के डालें मेवे को। इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा इन्हेंस होके आ जाता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे गुजिया का। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम डो से छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, सॉफ्ट डो आपको सनना है, बहुत ज़्यादा टाइट आपको डो नहीं बनाना है। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए। अब इसकी छोटी छोटी सी हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आप सबको हैप्पी होली भी विश करना चाहती हूँ। बिल्कुल आप लोग भी होली में काफ़ी अच्छे से इन्जॉय करें और अब टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाएं। और इसमें अब हम भरेंगे अपना फिलिंग। किनारे की साइड में आप थोड़ा सा पानी लगा के इसे चिपका दीजिए, नहीं तो फिर आप ऑयल में जब इसे डालेंगे तो ये आपका खुल भी सकता है, तो थोड़ा पानी लगाना मत भूलिएगा। और इसे चारों ओर से हम दबा के आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि अंदर से जो भी एयर है वो निकल जाए। और आप इस तरीके से बिल्कुल ट्रेडिशनली आप इसे हाथ से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, गूँथ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहते तो आप बिल्कुल साँचे आते हैं हमारे गुजिया के, उसे भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये साँचे में लगा के बता रही हूँ, इस तरीके से आप साँचा भी यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ी सी पूड़ियाँ बेल के इसके ऊपर रख लीजिए और बीच में डालिए हमारा फिलिंग, और अगेन फिर हमें पानी लगाना है, पानी लगाना नहीं भूलना है।
और इसे हल्के हाथ से दबा के एक्स्ट्रा जो भी मैदा है वो निकाल देंगे और इसे धीरे से हम इसमें से निकाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। इसे मीडियम आंच पे आपको बिल्कुल धीमे धीमे से तलना है ताकि हमारी जो गुजिया है वो बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बने। तो जब तक ये हमारी फ्राई हो रही है तब तक मैं और भी गुजिया बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो बिल्कुल इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। बीच बीच में आप थोड़ा सा गुजिया को इधर उधर पलटना मत भूलिए, दोनों साइड से हमें तलना है इसे। तो ये हमारा रेडी हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं अपने किचन टॉवल पे। और इसी तरीके से हम अपनी बाकी सारे ही गुजिया रेडी कर लेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग भी इस तरीके से होली में स्वादिष्ट गुजिया का आनंद लेंगे अपने घर पे बना के। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। और बिल्कुल आप सबको होली फिर से मुबारक हो हमारी मिठास के साथ। ओके माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय। को है यार। हाँ।